गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। तो प्यारा व्यू है, काफ़ी बादल है और अभी हम जा रहे हैं वहीं जहां पर हमने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हमने तोड़े थे जामुन, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस यार देखो, काफी प्यारा व्यू हो रहा है यहाँ पर खेतों में। तो यहाँ पर है प्ले ग्राउंड, काफी प्यारा व्यू है और आप देख सकते हो। और वो आ रहा है पीछे उस वाले साइकिल पर ना। तो गाइस यार बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं भगाता हूँ साइकिल। चलो मैं किसी का साइकिल सीन कर ले आया और वो किसी आ रहा है छोटे से साइकिल पर। तो चलो हम जल्दी से गाते हैं अपना साइकिल। तो गाइस यार फाइनली हम वही जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर जामुन है। तो चलो आपको दिखाता हूं, यहां पेड़ ही पेड़ है सारी और हरियाली हरियाली आप देख सकते हैं। तो गाइस यार मैंने खेतों में उतार दिया है साइकिल और मेरे पीछे आ रहा है सीन के लिए, तो देख सकते हो आप। चलो दे देते हैं यार, कोई बात नहीं। ये लो भाई देख लो, इसकी शक्ल याद रखना। तो चलो गाइस ये वाला साइकिल चलाएंगे हम। तो बढ़िया है, चलो। तो हम छोटे से साइकिल पर आ रहे हैं हम और चलते हैं आगे। बारिश आ रही है, आई होप आपको दिख रही होगी। साइकिल देखो एक गाइस यार, लड़ पे दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। अबे मत लड़ भाई, गाइस यार लड़ रहे हैं। तो काफी तगड़े वाली फाइट हो चुकी है, तो आप उधर एक दूसरे को लटा दिया भाई। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। ओ भाई मारा है तू उससे, लटा दे यार, डर गया यार। खेतों में फाइट, मजा आ गया। मामा पीछे प्रहार था, हम भी तीन लड़ी हो। ओए नागरो जहाँ पर आ रही है काफी तगड़े वाली बारिश, हम सभी फंस चुके हैं बारिश में। तो चलो देखते हैं कितना चलाती है बारिश। और हम यहीं पर रहे, हम खड़े हैं पेड़ के नीचे, ऊपर है पेड़। तो इधर जो दोनों लड़ रहे थे अब शांत हो चुका है मामला, तो आपको मिल जाएगा व्लॉग में देखने के लिए, देखना आप इंजॉय करना। तो चलो मिलते हैं हम आपको बारिश हटने के बाद और देखते हैं क्या बनता है। तीनों चल चुके हैं और मैं यहीं पर आपके सामने, और देख लो भाभी के सामने हम हैं। तो मैं भी पीछे पीछे चलता ही जा रहा हूँ, ऐसे रेसे लगा रही है। ये एक बंदा आ गया वापस और वो दोनों फाइनली लगाने जा रहे हैं रेस। तो जो मेरे तक वहाँ से पहले पहुँचेगा वो विनर होगा। तो चलो दो रेडी, 1 2 3 गो। कोई बात नहीं भाई, तो गाइस यार हमारा बड़े साइकिल वाला जी चुका है क्योंकि छोटे साइकिल वाला यहीं पर रुक गया। भाई तू जीत सकता था, तू यहीं पर रुक गया। नहीं भाई तू यहाँ तक किया था। तो चलो कोई बात नहीं, फिर से लगा लेना रेस। वो भाई साहब जीत चुके हैं, तो प्राइज कोई नहीं है, कोई प्राइज नहीं है, फिर से लगाएंगे। चलो कोई बोल रहे हैं एक बार फिर से रेस लगाए। चलो देखते हैं कौन जीता भाई। पीछे से यहाँ से सड़क स्टार्ट होती है ना, वहाँ से रेस लगानी शुरू करेंगे, ठीक है? और यहाँ तक आना है एंड तक, ठीक है? तो चलो जाओ गाइस यार, दोनों जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं गो। तो गाइस यार दोनों बहुत ही मेहनत और मुशक्कतों के बाद अपनी फाइनल रेस की ओर आ रहे हैं। तो देखते हैं कौन जीता है भाई। लगता है बड़े भाई तुम्हारा फिर से जीतने वाला, क्योंकि छोटे से भगा भाई भगा। छोटू छोटू ओ बेटे मौज कर दे। ओए
हमारे यहाँ पर थी काफी गर्मी और काफी दिनों के बाद आ रही है बारिश, तो काफी बढ़िया फील हो रहा है हमें। और हम तो यहाँ पर एसी के बिना रह नहीं सकते, इस तरीके से गर्मी थी। और इसकी सुनते हैं, वहाँ पे चलो चलते हैं। हमारा मेरा बड़ा भाई पहुँच चुका है उधर खेतों में, तो चलो देखते हैं। चलो भाई आप साइकिल लेके चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। ओ बेटे हार्ड वर्क, शिवा 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 आ गया, छोटा शिवा। तो गाइस यार बड़े साइकिल वाला आ रहा है इधर को, तो चलो देखते हैं। तो गाइस यार पोपट हो चुका है काफी बड़े वाला, और छोटे साइकिल वाला यहाँ पर गिर चुका है। छोटे साइकिल वाला गिर चुका है, पर देखो तो यहाँ पर हमारे बड़े हार्ड वर्क भाई, मजा आ गया भाई। वहां पर उनका पॉपट हो चुका है, तो वो गिर चुके हैं, साइकिल निकाल रहे हैं वहां से। भाई यार वहां पर भाई साहब ने निकाले अपना साइकिल खेतों में से, तो गिर चुका था, तो चलो कोई बात नहीं। हो चुका है हमारा पॉपट, तो काफी तगड़े वाली बारिश आ चुकी है। तो देखो गाइस बारिश, देखो देखो उधर बारिश, देखो भाई तो देख सकते हो आप। और यहाँ पर सूख रहे हैं आर्मी की तरह, पानी देख रहे हैं कहाँ से हाथों में आए, और यहाँ तक पानी आ चुका है। चलो गाइस हम फिलहाल फंस चुके हैं बारिश में, तो चलो देखते हैं। तो गाइस यार एक हमारा बंदा बारिश में खड़ा है और पॉपट हो रहा है इसका तो पूरा, तो तुम भी जाओ जा सकते हो, जाने दो, छाल मार दो नीचे गिर जाओ। तो गाइस यार मैं भी आपको काफी कमाल की चीज दिखाने वाला हूँ, पुराने जमाने के घर। तो चलो दिखा, वहाँ पर है पुराने जमाने के घर, देख सकते हो आप बहुत पुराने हैं। करीब करीब कितने साल पुराने, 40-50 साल पुराने घर हैं ये, अभी भी नहीं टूटे, कमाल है यार। तो बारिश आ रही है इसलिए हम जा नहीं सकते, आई होप बारिश हट जाए फिर हम आपको दिखाएंगे। तो चलो अभी तो हम फंसे हैं यहाँ पर बारिश में, आप देख सकते हो सभी इधर हमारे सभी खड़े हैं, मैं भी यहाँ पर फंसा हूँ। चलो कोई बात नहीं, देखते कितनी देर बारिश आती है, तो अगर बारिश आती है तो हम आपको दिखाएंगे वो वाली घर। तो चलो कितनी देर रुकते हैं। घर जाने के बाद तो चलो मैंने नेट पर अभी चेक किया है काफी ज्यादा बारिश है हम जाते हैं घर और घर के सामने बारिश में नहाएंगे और आपको दिखाएंगे। अगर आप चाहते हो हम दिखाएं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो चलो चलते हैं, तैयार हो सभी जाने के लिए, और तैयार है भाई जाने के लिए, ओ भाई तैयार है, ये तो यहीं पर अपनी मस्ती में लगा। तो चलो चलते हैं घर। यहाँ पर काफी तगड़े वाला पोपट हो चुका है, मैं पूरा भीग गया हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम वहां से लेकर यहाँ तक बारिश में आए हैं। और नहर जिसे हम सुबह बोलते हैं, उस दिन लास्ट ब्लॉग में आपने देखी होगी, पर उस दिन इसमें पानी नहीं था, पर अब आ चुका है। यहाँ पर मेरा भाई उठा रहा है जामुन, तो भी फर्ज बनता है कि मैं भी साथ में जामुन उठाऊं। तो चलो मिलते हैं हम आपको जामुन उठाने के बाद। जामुन जामुन पेड़ में पत्ते जामुन, पर जामुन जगह में मैं ब्लॉगिंग करता था तो सीधा आता था पीछे, हो गई बच गया। चलो मैं भी उठाती हूँ अपनी जगह पर, मेरी साइकिल ऑफ रोडिंग वाला रोड है, तो यहाँ पर पीछे पीछे आ रहे थे, पूरे भीग चुके हैं। अब फाइट नहीं करना, पीछे पट्टे बन जाओ। चलो देखो देख सकते हो।
तो गाइजर जहाँ पर फिर से पोपट हो चुका है, ऊपर से साइकिल नीचे गिर गया और दोनों गिर रहे हैं। देखो तो गाइजर जहाँ पर पोपट हो चुका है, साइकिल गया सीधा लेर में और ये बच्चा रो रहा है। रोना नहीं बच्चे, रोना दे अच्छे बचपना निकाल देते हैं। चलो गाइस निकालते हैं इसका साइकिल, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं। जहाँ पर फिर से पॉपट हो गया, ये भी गिर गया, उठ गया, आ गया बाहर। चलो निकाल रहे हैं साइकिल दोनों। वैसे गिराया मैंने तो, निकल चुका साइकिल बाहर। चलो गाइस हम मिलते हैं आपको जामुन उठाने के। यहाँ पर देखो जामुन ही जामुन। चलो मैं भी उठाता हूँ एक जामुन, मेरा नीचे गिर गया। यहाँ पर देखो जामुन मैंने तीन खाए। चलो गाइस तो चलो गाइस चलते हैं फिर से वही जगह पर, बारिश अब हट चुकी है तो चलो देखते हैं, दिखाते हैं आपको वो पुराने वाले घर। तो चलो एक्साइटेड हो उसके लिए, मुझे कमेंट करके बताना। A few moments later बारिश में हम फंस चुके थे और जामुन भी देखो यहाँ पर है, काफ़ी टेस्टी टेस्टी ब्लैक ब्लैक जामुन, काफ़ी टेस्टी भी है आप देख सकते हो। काफ़ी टेस्टी है यार, ये शुद्ध जामुन है, हमने पेड़ से तोड़े हैं, काफ़ी टेस्टी हैं, अभी हो रहे हैं। तो चलो बस मैं मिलता हूँ आपको नहाने धोने के बाद, क्योंकि मैं काफ़ी गंदा हो चुका हूँ, आपको पता है बारिश में आया है। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको फ्रेश होने के बाद। A few moments later तो गाइस साइकिल की हालत तो देखो एक बार। वैसे तो मैंने उस नहर से जो आपको मैंने दिखाई थी उसमें से निकाल दिया था इसे एक बार, क्योंकि फोन हमारा स्विच ऑफ हो चुका था, इसलिए हम वो व्लॉग नहीं कर पाए। तो देख लो आप पूरा क्लीन हो चुका है अच्छे से, अब एक बार धो लेंगे। और तो गाइस यार जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था मेरा न्यू डॉग, तो अभी मुझे व्लॉगिंग करने नहीं दे रहा, तो चलो दिखाता। ये देखो ओली, इसका नाम सैम है और डर चुका है। देखो सैमी 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 काट रहा है, मुझे काट रहा है, मुझे काटेगा, फाइट फाइट कर रहा है। मेरे को मत पे, अबे भाई पीछे ही पड़ गया ये तो। वो देखो आ रहा है, आ रहा है। ओ भाई अब मेरा भी ये शॉट मैंने क्या बिगाड़ा तेरा। सैमी सैम बैठ जाओ वहीं पे, ओ बेटे ओ पैरा है भाई, बचाओ कोई इससे मुझे, अबे छोड़ दे भाई क्या बिगाड़ा मैंने तेरा। तो फिलहाल सैम बाहर देख रहा है, गेट के पास बैठा है कि जब भी मैं गेट खोलूँ, कोई भी जब भी गेट खोले तो मैं भाग जाऊँ बाहर, बस बाकी जो मर्जी हो मैं भाग जाऊँ बस, ये सोचता है। ये मुझे नहीं लगता जी अपने आप को कुत्ता समझता है, ये समझता है कि हमारे जैसा है बस, ठीक है इसका। तो अभी क्लाउड्स बाहर हैं अभी भी, तो चलो चलो मैं खोलता हूँ फाइनली डोर। तो देखो गाइस अभी भी क्लाउड्स हैं, उस साइड गए थे हम सुबह, तो देख सकते हो आप क्लाउड सभी हुए हैं और खेतों का व्यू देखते हैं कैसे। चलो एक बार गेट को कर देते हैं बंद, क्योंकि सैम ना आ जाए बाहर और ये तगड़े वाला पंगा हो जाएगा, क्योंकि भाग जाता है ना। तो यहाँ पर पानी बारिश का इकट्ठा हो चुका है और उधर भी बारिश का पानी इकट्ठा, और इधर अभी क्लाउड्स हट चुके हैं और इधर सन निकल आया है। और चलो मैं आपको बाकी का व्लॉग, और चलते हैं फिर से अंदर। तो हम फिर से आई होप कि हो पाएगा आज, हम आपको वो पुराने वाले घर दिखाएंगे जो कि सुबह नहीं दिखा पाए क्योंकि बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है और फ़ोन भी बंद हो चुका था। तो हम आगे सीधे घर जामुन घर खाए और फिर हम चलेंगे वो घर दिखाएंगे आपको। तो चलो अभी मुझे लग रही है काफ़ी प्यास, तो चलो कुछ ना कुछ पीता हूँ। तो गाइस अभी अभी एक आया है मेरे पास जो साइकिल लेकर आया है बच्चा एक, तो चलो इसके साइकिल की लेते हैं राइट। तो चलो दिखाते हैं आपको, ये जो कि लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा इसे, तो डॉग को पकड़ कर बैठा है। तो चलो चलाते हैं हम इसका साइकिल।
स्टैंड रहने दो कोई बात नहीं। तो गाइस फाइनली मैं इसके साइकिल के ऊपर बैठ चुका हूँ और आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। इसका देखते हम हमारे हर वाले ये देखो बच्चे आगे डॉग देखने ये वाला तो देख सकते हो दिखा दो उन्हें दिखा दो तो, बहुत ही मज़ा आया सुबह। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हुई है बारिश और इधर देखो मैं अभी पानी में से निकाल रहा हूँ। अब देखना एक चीज़ वहाँ है रेत का पहाड़ और मैं गया सीधा ऊपर से मज़ा आ गया। चलो एक बार फिर से आप मैं जा रहा हूँ सीधा पहाड़ की ओर और ये रहा हमारा पहाड़। ओ बेटे अटक गया अटक गया। चलो कोई बात नहीं फिर से तो आप देख सकते हैं बहुत ही मेहनत मशक्कतों के बाद हम कर लिया है क्रॉस। तो चलो फाइनली हम अभी जाने वाले हैं उसी घरों में और आपको दिखाते हैं कैसे है वो घर। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, अभी टाइम हो रहा है 9:58, 10 बजने में बस 2 मिनट बाकी है तो समझ लो 10 ही बज चुके। तो हमारा डिनर आ चुका है तो बैंगन दही रोटी और लस्सी। चलो खाते हैं रोटी और एसी मैंने ऑन कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो आज बारिश आई थी बट फिर भी गर्मी तो है ना। चलो कोई बात नहीं वैसे तो ठंडा है आज एकदम से बारिश आ गई बहुत बढ़िया लगा। तो हम फंस चुके थे वहाँ पर जामुन लेने गए। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद। अभी हो चुका है काफी तगड़े वाला पोपट और आ रही है काफी तेज बारिश। देखो गाइस बाहर ओ बेटे वाह। देखो गाइस यहाँ पर हमारा एक और तगड़े वाला पोपट हो चुका है। हमारी चेयर भी टूट चुकी है सीधी ऊपर से गई नीचे तो काफी तगड़े वाला पोपट हुआ है आज। कूलर भी बाहर और कपड़े भी अभी अभी उतारे हैं मैंने। गाइस यार मजा आ गया वाह। वहाँ पर तुलसी माता तो चलो ओ गाइस। तो गाइस यार एक और तगड़े वाला पोपट हो गया। साइकिल मेरा है बाहर और मैं जा रहा हूँ साइकिल लेने। ओ देखते हैं साइकिल भीगा कि नहीं साइड भाई। चलो साइकिल तो बच गया छत के नीचे है ना साइकिल। तो देखो गाइस तगड़े वाला पोपट हुआ यार तो मज़ा आ गया। अभी साइड बारिश बादल देखो ऊपर। पानी पानी हो गया सारी सड़कों में पानी पानी। चलो कोई बात नहीं साइकिल को भी धुलने देते हैं। और यहाँ पर हमारा भी आ चुका है बाहर और देखो अंदर आजा भाई बाहर बहुत बारिश है। आजा 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 अंदर आजा 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 अंदर आजा अंदर आजा भाई भाई अंदर आजा 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 कहाँ डरता है आजा भाई अंदर आजा ओली अंदर आजा सभी। मुझे क्यों काट रहा है मुझे पता नहीं क्यों काट रहा है। और लाइट गई और बहुत बोरी है कि सभी लाइट आउट किया वेटर पर पॉपट आज पॉपट ही पॉपट गए थे बाजार बाइक लेके वहाँ पर क्लच की तार टूट गई वहाँ भी पोपट तगड़े वाला हो गया। फिर से हम ऐसे ही धक्का लगा के बाइक को दुकान तक लेके गए फिर तार खोई और अब घर। रास्ते में भी भीग गए बारिश है इतनी तेज थी बारिश पोपट काफ़ी तगड़े हवा काफ़ी मस्त आ रही है यहाँ पर तो व्यू भी काफ़ी बढ़िया और रुपये
काट रहा है नीचे। छोड़ दे भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। ए भाई छोड़। बेटे देखो गाइस बारिश क्या गजब है। कैमरे में तो शायद इतनी नहीं दिखाई दे रही, पर असल में ना जो कमाल है, मजा आ गया आज तो फाइनली। बहुत बहुत दिनों के बाद बारिश पड़ी है हमारे यहाँ पर, तो बहुत पहले दूसरी बार कल पड़ी थी और आज आज हमने सोचा था, और आप सोच रहे हैं कि हमने वो घर क्यों नहीं दिखाए। कल भी गए घर, पोपट हो चुका था क्योंकि बारिश आ चुकी थी और हम गए नहीं। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको जरूर दिखाएंगे वो पुराने वाले घर, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और कभी भी आ जाती है। अगर परसों हुआ तो परसों आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर मुझे काट दिया पोपट। आ जा अंदर भाई, अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर। चलो भाई चलो, सैम देखो आ रहा है। आ जा भाई। मैं भागता हूँ, मेरे पीछे ही आ जाता है ये बस। और टेरेस पे चलते हैं, क्या क्या हाल है, और देखते हैं कैसा है। गेम मैंने रात खेल ली थी और आपको मिल जाएगी व्लॉगिंग में देखने के लिए। मैं कर दूंगा ऐड उसे। वाह पीछे कपड़े हैं मोम के, देखो काफ़ी तगड़े वाला पोपट। मैं बारिश का मौसम हूँ। मजा आ गया गाइस। तो चलो चलते हैं नीचे और लगाते हैं अब पबजी मोबाइल का मैच, जो कि काफ़ी बढ़िया है, पुरानी पबजी जैसी है। तो चलो लगाते हैं। इधर सैम हमारा यहीं पर बैठ चुका है और हम भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब खेलते हैं पबजी मोबाइल और दिखाते हैं आपको। चलो टाइम हो रहा है, पूरे 2 बज चुके हैं और हम खा रहे हैं ब्रेड वाले, जो कि मेरे पापा जी खुद निकाल रहे हैं। ये देखो उधर भी पड़े हैं और जगह पर मम्मी भी खा रही है ब्रेड वाले पकोड़े। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। तो चलो पापा के पास चलते हैं। और जहाँ पर हमारा सैम भी पकोड़े खा रहा है उधर, तो यहाँ पर निकल रहे हैं पकौड़े। एक साइड में बन रही है चाय और यहाँ पर निकल रहे हैं पकौड़े ये वाले ब्रेड के। और यहाँ पर सैम बैठ चुका है और मम्मी उधर खा रही है और मैं भी यहाँ पर खा लेता हूँ। बहुत टेस्टी। यहाँ पर सैम को पता नहीं क्या हुआ और यहाँ पर उल्टियाँ कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ लड़की को। सैम सैम सो रहा है। चलो कोई बात नहीं, खाते हैं फिर से ब्रेड। खा चुके हैं यहाँ पर, खा रहे हैं। बहुत टेस्टी है ब्रेड। करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। पता नहीं क्यों आज सुबह से लेकर शाम तक पोपट ही पोपट पोपट। अभी मेरा फोन गिरा, देखो इसका गार्ड क्या, जिसमें जिस फोन में मैं बना रहा हूँ वीडियो वही गिरा। और ये देखो गार्ड का क्या हाल हो चुका है, देखो देखो। और पता है कहाँ से, 1 2 3 4 5 इतनी हाइट से गिरा नीचे यहाँ तक। और होपट मोबाइल बच गया, गार्ड टूट गया, कोई बात नहीं, गार्ड से फिर से लगवा लेंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।